हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्या है। फिर से हमें इक्वेशन ऑफ कर्व देनी है, ओके, जो कि पास हो रही है 0 और 2 से, लेकिन इस बार वो 0 और 2 से पास हो रही है। और गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व एक्सीड्स एक्सीड्स यानी ज़्यादा है वो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय 5 डिग्री। एनी वेज, ये बहुत लेंथी स्टेटमेंट था, इसको थोड़ा ईजी करके देखते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। ये पता चल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है कि वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जो सम है ना आपके कोऑर्डिनेट्स का, जो आपके कोऑर्डिनेट्स का सम है ना यार, यानी ये जो एक्स प्लस वाई है ना, इसका जो सम है ना, वो क्या हो रहा है, वो एक्सीड है। एक्सीड मतलब वो ज़्यादा है किससे, जो स्लोप है टेंजेंट का। बाय चांस ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका जो एडिशन है वो इस चीज़ से 5 एक्स्ट्रा है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई टेंशन? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस 5 को इधर ले जाएं तो वो बनेगा माइनस का 5, जैसे ये बना। और फाइनली हम पे कुछ दो केसेस अराइव हुए हैं। देखिए यार, जो क्या है, जो मैग्नीट्यूड है टेंजेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है वो आपको प्लस करके भी दे, वो नेगेटिव करके भी दे, लेकिन जो मैक्सिमम जगह सिनेरियो डिस्कस हुए हैं वो पॉजिटिव के लिए ही होते हैं, है ना। तो मैं पॉजिटिव वाले को लेके ही सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि आप नेगेटिव को लेके भी करेंगे तो कोई आंसर आएगा जरूर, लेकिन एक डिफरेंट आंसर आएगा। फिलहाल तो बैक टू दिस क्वेश्चन, केस नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव दे रखा है आपको, जब आपने यहाँ कन्वर्ट करने के देखा। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको पता है आपको वाई अगर इधर ले जाएंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में आएगा। देन यू कैन कंपेयर पी का वैल्यू -1, क्यू का वैल्यू x-5, ठीक है। देन आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, इट्स e की पावर पी डी एक्स एंड e की पावर -1 डी एक्स और e की पावर -x। यहाँ तक कोई टेंशन? सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता होता है, इट्स y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही ये चल रहा है फॉर्मूला ना, तो आई होप अभी तक तो आपको रट भी गया होगा। सो वाई की जगह वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आपने ए की पावर -x रखा, क्यू की वैल्यू x-5 थी, क्यू की वैल्यू x-5 थी तो उसी को पुट किया गया है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन ई की पावर -x। भाई आईलेट के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल फिर से सेकेंड और एलजेब्रिक फंक्शन इज अगेन फर्स्ट। ठीक है, अब आपको पता होता है पहले वाले को टच नहीं करते, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन पूरे में डिफरेंशिएशन पहले वाले का और इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, कुछ ऐसे ही लॉजिक चलता है। मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। वाई इंटू ई की पावर -x तो ऑलरेडी था फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को कुछ भी टच नहीं करते, तो मैंने x-5 एज इट इज़ लिखा। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन किया जाता है तो ई की पावर -x आपको देगी -e की पावर -x, फिर यहाँ माइनस का साइन लगा। अब जो फर्स्ट टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x-5 का डिफरेंशिएशन क्या है, 5 का 0 और x का 1, तो वो 1 लिखा गया है यहाँ पे। ई की पावर -x का फिर इंटीग्रेशन होगा अंदर, यही रूल मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन होता है फिर। तो e की पावर -x का मतलब क्या है, माइनस का e की पावर -x फिर से आ जाएगा, उसे अपॉन में लिखिए चाहे ऊपर लिखिए सेम बात है। जब ये माइनस इधर चला तो प्लस का हो गया, ठीक है बेटा। एंड देन फाइनली ई वाई इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू -x-5 ई इंटू इन इंटू ई -x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x। ई की पावर -x तो आपको फिर से माइनस का e की पावर -x दे देगा, है ना। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया है वो आया है y इंटू e की पावर -x इज इक्वल्स टू -x-5 इंटू e की पावर -x माइनस का e की पावर -x प्लस सी।
मुझे यार ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं अगर उस पूरी इक्वेशन को e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करवा दूँ तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा बेटा रीअरेंज करके कुछ ऐसा। कोई टेंशन यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, यहाँ से भी हटेगा, लेकिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो भी पॉजिटिव वाला जब आप इससे डिवाइड करेंगे। देन वी डिड सम अरेंजमेंट ऑल्सो। अरेंजमेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब आपको पता है यार, उसने बोला है आपके स्टार्टिंग में कि भाई ये 0 और 2 से पास हुआ है ना, तो अगर ये 0 और 2 से पास हुआ है तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 2 डाला जाए, वाई की जगह 2 डाला, एक्स की जगह 0 डाला, तो क्या बचा, 2 इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 0 एक्स, क्योंकि 0 हुआ प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि ई की पावर 0 इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ से सी का वैल्यू -2 आया। देन आपने कुछ भी नहीं किया, बस इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। सी की वैल्यू को पुट किया तो ये क्या हुआ, -2। ई की पावर एक्स तो सी के साथ था ही यार, माइनस एक्स भी वहीं है, 4 भी वहीं है और वाई भी वहीं है। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू।